आज मैं बना रही हूँ दही चावल। इसको खाने के लिए बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पे मैं एक बोल जो है पका हुआ चावल ले रही हूँ। ये चावल जो है थोड़ा सा ओवर कुक होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ होना चाहिए, तभी दही चावल जो है अच्छा बनता है। तो इसमें हम दही डालेंगे एक बोल। दही चावल बनाते समय आप कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका दही चावल भी उतना ही टेस्टी बनेगी। इसमें हम नमक डालेंगे एक चम्मच। तो चावल जो है थोड़ा ओवर कुक होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट ओवर चावल ले रहे हैं, मतलब बचा हुआ चावल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी मिला के इसको अपने हाथों से मैश कर लें। उसके बाद इसमें ले सकते हैं दही चावल बनाने के लिए। इसके बाद हम दही जो है थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें आधा बोल के करीब पानी डालेंगे। तो चावल जो है थोड़ा सा ठंडा भी होना चाहिए, मतलब एकदम ठंडा ही होना चाहिए। गरम चावल में बिल्कुल भी दही चावल ना बनाएं, क्योंकि आप गरम चावल में बनाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और खाने के लिए स्वादिष्ट नहीं बनेगा। इसमें हम आधा कप के करीब अनार के दाने ले रही हूँ मैं। अनार के दाने के जगह पर आप अंगूर भी मिला सकते हैं, काट के हरी अंगूर। तो अनार का दाना जो है इससे आपको मीठा टेस्ट आएगा और दही खट्टा, खट्टा मीठा दोनों टेस्ट आएगा। और इसमें हम थोड़ा सा छौंक लगाएंगे तो छौंक से थोड़ा सा तीखा टेस्ट आएगा, तो तीन तरह की टेस्ट आपको मिलेगा। तो इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई मैं एक ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सरसों के दाने और इसमें रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल ले लीजिए। आप रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल का ही इस्तेमाल करें, सरसों का तेल ना लें। या फिर आप इसमें घी से छौंक लगा सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसको हम रोस्ट करेंगे। थोड़ा सरसों के दाने और जीरा चटकने लगे तब इसमें करी पत्ता मिलाएंगे और ऊपर से हम छौंक लगा देंगे। दही चावल बनाने का सही समय जो है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है, बहुत ज़्यादा बाहर धूप हो रहा है, उस समय आप बना सकते हैं। तो छौंक लगाने के बाद एक ढक्कन से ढक देंगे, फिर कुछ मिनट के बाद इसको खोल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।